प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि एवीजीसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। इसके तहत आने वाले समय में कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहन मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि गेमिंग और एनिमेशन के क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए एक्सीलेंस सेंटर शुरू किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। नौ, 10 और 11 दिसंबर को ये समिट होने वाली है। इससे पहले आज आईटी सेक्टर की प्री समिट का आयोजन किया गया है। इसमें प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा है कि आईटी और डिजिटलाइजेशन का अब काफी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है मीडिया सेक्टर में और मीडिया बिजनेस को आगे बढ़ाने में, किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ विचार आपके इस पर? ब्रॉडकास्ट सेक्टर शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स पे आश्रित रहा और हाल के समय में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन में प्रगति हुई है, कंप्यूटराइजेशन में प्रगति हुई है, तो इन सब तकनीकों का मीडिया और ब्रॉडकास्ट सेक्टर में भी काफ़ी उपयोग हुआ है। अब इस परिवर्तित परिवेश में जबकि डिजिटल और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ कंटेंट कंजम्पशन जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स पर चला गया है, तो आवश्यक हो जाता है कि हम डिजिटल तकनीकों का उपयोग और बेहतर तरीके से करें और साथ ही साथ नए कंटेंट को बनाने में, पुराने कंटेंट को एक और आधुनिक स्वरूप देने में इन सब तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। राजस्थान सरकार की जो आई स्टार्ट और एवीजीसी पॉलिसी और अन्य योजनाएं हैं, इन सब के चलते एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो विकास देखा गया है वो ये है कि कई सारे लोग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के या दूसरी आधुनिक तकनीकों को लेकर के ग्राफिक्स में, एनिमेशन में, प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में, जनरली कंटेंट क्रिएशन के जो विभिन्न आयाम हैं उन सारे आयामों पर लोग काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एवीजीसी के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा भी की है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, जिसकी स्थापना मुंबई में की जाएगी और उसके अलावा भी नीतिगत तौर पर अभी कई सारे निर्णय भारत सरकार इस संबंध में ले चुकी है और आने वाले दिनों में लेने भी वाली है। कंटेंट क्रिएटर्स को सरकार बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है, किस तरह से ये मुमकिन होगा और हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो उस दिशा में काम कर रहे हैं? तो एक तो ये कि अभी फरवरी 2025 में जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है इसके द्वारा एक वैश्विक समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है जिसको वेव्स का नाम दिया गया है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, और इसी समिट की तैयारी के हिस्से में एक करीब 25 चैलेंजेस हैं जो कि आरंभ किए गए हैं और इन चैलेंजेस के माध्यम से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके जो हमारे यंग क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक ये मौका है कि अपने आउटपुट को, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो या प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो, उसको सामने रखें और जो चुनिंदा उसमें से लोग होंगे उनको वेव्स में अपने अपने जो डेवलपमेंट्स हैं उनको प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा प्रसार भारती के द्वारा भी अब ये एक प्रयास किया जा रहा है कि कुछ तो जो आइडेंटिफाइड लोग हैं जिनको कि क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के नाम से पिछले 2-3 वर्षों में हमारे मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है और नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स के विजेता हैं, तो इन लोगों के साथ में मिलकर के कंटेंट प्रोडक्शन का काम हम शुरू कर रहे हैं और साथ ही अन्य क्रिएटर्स के लिए भी हम लोग एक अपने ब्रॉडकास्ट और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराएंगे ताकि उनको भी अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का मौका मिल सके। तो ये माना जा सकता है कि प्रसार भारती थी ओटीटी को लेकर के भी अब फोकस कर रहा है, जिस तरह का मॉडर्न जमाने में ओटीटी पर अब काफ़ी बात होने लगी। कंटेंट क्रिएशन के समस्त जितने भी कंटेंट डिसेमिनेशन के जितने भी माध्यम हैं उसमें चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो स्ट्रीमिंग हो, डिजिटल हो, ओटीटी, जिस भी नाम से आप कहें, सभी क्षेत्रों में प्रसार भारती की प्रेजेंस रहेगी। कंटेंट क्रिएशन पर अब बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है भारत सरकार और उसे लेकर के प्रसार भारती अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, DD News, जयपुर।